Hi guys, welcome to my channel Average Indian. आज मैं फिर आया हूँ आपके लिए एक अच्छा टॉपिक लेके। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। उसका टॉपिक था हाउ टू बल्क हैवी, या बहुत ज़्यादा वेट आप कैसे गेन कर सकते हैं उसके ऊपर था। अगर आप कोई स्किनी गाय हैं तो आपके लिए वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा स्क्रीन पर। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है हाउ टू लीन बल्क, मतलब लीन रह के भी आप वेट पुट ऑन कैसे करें। मतलब 1 से 5 किलो, जो मैंने रेंज बताया था मेरे लास्ट वीडियो में, 1 से 5 किलो तक वेट गेन करने को हम लोग लीन बल्किंग कह सकते हैं। तो लीन बल्किंग में हम लोग क्या क्या रूल्स फॉलो करेंगे। हैवी बल्किंग में हम लोग का जो मोटिव था वो था ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी इनटेक करना, ताकि हम लोग का वेट जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाए। बट लीन बल्किंग में हम लोग का जो टारगेट है वो ये रहता है कि वेट भी हम लोग का गेन हो जाए, साथ में फैट भी गेन ना हो। तो लीन बल्किंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये हम लोग को वेट गेन करने में भी हेल्प करता है बिना फैट गेन किए। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो अब तक नहीं देखा है उसे ज़रूर देखिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए मेरे वीडियोस को, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करते ही मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे ही टॉपिक्स चुन चुन के आपके लिए ला सकता हूँ, और सोचने में भी बहुत हेल्प होता है कि मेरे ऑडियंस को क्या चाहिए। सब्सक्राइब करते ही जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिए, उससे जो मेरे वीडियोस आने वाले हैं फ्यूचर में उनके नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन में आ जाएंगे। तो आज का टॉपिक लीन बल्क, इसकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जो मेरा लास्ट वीडियो था बिल्कुल उसी की तरह लीन बल्किंग के स्टेज को भी मैं 2 ग्रुप्स में डिवाइड करने वाला हूँ। फर्स्ट ग्रुप होने वाला है बिलो 25 ईयर्स, सेकेंड ग्रुप होने वाला है अबव 25 ईयर्स। तो जैसे आपको पता है मेरे लास्ट वीडियो से, ऐसा करने का मेन रीज़न जो है कि जो 25 साल का जो एज है उससे कम और उससे ज़्यादा हम लोग जब होते हैं तो हम लोग का जो बॉडी का कंडीशंस है दोनों केस में सेम बिल्कुल नहीं होता है। अगर हम लोग 25 से नीचे हैं तो हम लोग का जो ग्रोथ हार्मोन है, जो मसल रिटेनिंग कैपेसिटी है, जो मसल टेंडेंसी है, वो बहुत ज़्यादा रहता है कंपेयर टू आप जब 25 साल से ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि इस एज में आपका जो हार्मोन है वो उतना एक्टिव नहीं होता है, आपका जो मसल रिटेनिंग कैपेसिटी है वो भी उतना नहीं होता है। इसलिए जो डाइट या जो ट्रिक्स होना चाहिए वो बिल्कुल अलग होना चाहिए दोनों एज ग्रुप के लिए। अगर कोई वीडियो आपको मिलता है ऐसा यूट्यूब में जहाँ पे एक ही डाइट, एक ही सिस्टम सबके लिए चिपकाया जा रहा है, वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर आप 25 से ज़्यादा है तो उसी डाइट को फॉलो करके आप मोटे हो सकते हैं, इंस्टेंट मसल गेन तो भूल जाइए, आप मोटे हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बढ़ता हूँ उन लोगों की तरफ जिनका एज 25 से कम है। तो बात करते हैं कि सिंपल बेसिक फूड आइटम्स क्या होगा जो आपको इंक्लूड करना चाहिए लीन बल्किंग के लिए। लीन बल्किंग याद रखिए, तो मैं ऐसे फूड ही सिलेक्ट कर रहा हूँ जिनका जो कैलोरी है वो मॉडरेट है, ताकि उसको इंक्लूड करते हुए आप थोड़ा सा वेट भी गेन कर ले, मसल भी गेन कर ले और फैट आपके बॉडी में ना आए। तो फर्स्ट हम बढ़ते हैं राइस की तरफ। मैं डेफिनेटली आपको ब्राउन राइस रिकमेंड करूँगा क्योंकि ब्राउन राइस में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स के साथ बहुत अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हम लोग के बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं कि ब्राउन राइस, सिर्फ ब्राउन राइस ही आपको वो बेनिफिट दे सकता है, बिल्कुल नहीं। मैं खुद वाइट राइस लेता हूँ दिन में 3 बार, फिर भी जो फैट टेंडेंसी है वो मेरा बहुत कम है। क्यों ऐसा है, कैसे मैं मैनेज करता हूँ 3 बार वाइट राइस लेके भी बिना फैट गेन किए रहना, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ बहुत जल्द। एक वीडियो बनाते बनाते बहुत सारे टॉपिक्स दिमाग में आते रहते हैं तो मैं सब पे वीडियो लाऊंगा। तो फिर हम बात कर रहे थे वाइट राइस का। तो वाइट राइस अगर आप अपने वेट के हिसाब से खाएंगे तो आप दिन में 2 बार 3 बार जितना बार भी लेंगे आपका वेट गेन नहीं होगा। बस आपका वाइट राइस का जो अमाउंट है वो अपने वेट के हिसाब से रखिए। जो सब लोग खाते हैं मैं भी वैसा खाऊंगा वैसे सोच के मत चलिए, सबका बॉडी अलग होता है, सबका मेटाबॉलिज्म अलग होता है। फिर भी मैं बोलूँगा कि ब्राउन राइस विल बी ए बेटर ऑप्शन, बट कहीं कहीं प्राइस का भी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। फिर हम बढ़ते हैं ब्रेड की तरफ। तो ब्रेड इस केस में सिर्फ दो टाइप का ब्रेड जो है वो आपको चूज करना है। आइदर आप ले सकते हैं मल्टीग्रेन ब्रेड और आप ले सकते हैं होल व्हीट ब्रेड। मल्टीग्रेन ब्रेड और होल व्हीट ब्रेड में फाइबर आपको बाकी ब्रेड से ज़्यादा मिलेगा, तो फाइबर इस स्टेज में गेन करने के लिए चाहिए होता है ताकि आपका जो भूख कम है वो जो भूख है वो कंट्रोल में रहे
और आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी चलता रहे। अब बात करते हैं कि हम लोग प्रोटीन कौन सा लेंगे। तो प्रोटीन इसमें मैं दो बोलने वाला हूँ, नॉन वेज के लिए दो बोलने वाला हूँ, वेज के लिए। जो दो मैं बोलने वाला हूँ वो ऑब्वियसली नॉन वेज लोग को पता चल ही गया है, वो होने वाला है चिकन और एग। तो दोनों ही लेना ज़रूरी है, जो साइंस है उस हिसाब से दोनों ही लेना ज़रूरी है। अगर आपका बजट प्रॉब्लम है, आपके घर में दोनों हर रोज़ नहीं बनता है, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा, अगर सिर्फ एक ही फूड आपको चूज़ करना है तो मैं बोलूँगा आप एग चूज़ कीजिए। एग में आपको एमिनो एसिड प्रोफाइल भी पूरा मिलता है, साथ में जो मनी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल नहीं रहता है, क्योंकि एक एग 5 से 10 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा, आप कोई भी स्टेट से हो। उस जगह में चिकन आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो आप एग जरूर लीजिए। अब आता है कि वेज में हम लोग क्या लें। तो वेज में मैं रिकमेंड करूंगा दो चीज़, पनीर और टोफू। अब इस केस में अगर आपको सिर्फ एक ही सिलेक्ट करना है, आप अगर सोच रहे हैं कि नहीं मैं दो नहीं सिर्फ एक ही खाऊंगा, तो मैं डेफिनेटली टोफू रिकमेंड करने वाला हूं। रीज़न है कि पनीर और टोफू का जो प्रोटीन कंटेंट है वो बिल्कुल सेम रहता है, बट टोफू में फैट पनीर से बहुत कम रहता है, तो टोफू आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो गया। अब एक माइनस पॉइंट है टोफू में कि टोफू सोया से बनता है। अगर कोई लोग रेगुलरली फिटनेस वीडियोस फॉलो करते हैं तो बाकी किसी भी अच्छे चैनल पे आपने एक बात सुना होगा कि सोया आपका जो टेस्टोस्टेरोन है उसको सप्रेस करता है। रेगुलर सोया लेने से आपका टेस्टोस्टेरोन सप्रेस होता है। अगर आप उस केस के लिए डर रहे हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, 50 ग्राम टोफू आप हर रोज ले सकते हैं, 50 ग्राम से आपका टेस्टोस्टेरोन आपके बॉडी को कोई भी हैम्पर नहीं होगा। और फीमेल लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, टोफू डेफिनेटली एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, आपको टेस्टोस्टेरोन के बारे में सोचने का जरूरत है ही नहीं। फिर हम आ जाते हैं ओट्स में। तो ओट्स मेरे हिसाब से लीन बल्किंग के लिए बेस्ट कार्ब सोर्स है, क्योंकि ओट्स में कार्बोहाइड्रेट्स के साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और फाइबर्स बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, जो नॉर्मल इंडियन फूड्स में नहीं होते। तो ओट्स को आप अपने डाइट पे जरूर रखिए। अगर आप 2-3 आइटम सुनते ही कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन से फूड को कब खाना है, कैसे खाना है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपके कंफ्यूजन को मैं डेफिनेटली क्लियर करने का कोशिश करूंगा। अगर मुझे 5 से 10 कमेंट ऐसे मिले जिनको डाइट अरेंजमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं आपके लिए फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो भी लाऊंगा 1-2 हफ्ते में। तो फिर बढ़ते हैं, हम लोग का एक ऐसा सोर्स है जो आपके डाइट पे रखने से आपका कार्ब इंटेक भी सही रहेगा, प्रोटीन भी आएगा उससे और फाइबर भी बहुत ज़्यादा आएगा, वो है आपके लिए चिकपीस। चिकपीस मतलब हिंदी में चना। चना एक ऐसा फूड है, मैं कहूँगा सुपर फूड है, क्योंकि उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो प्रोफाइल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। चना सिर्फ आपको प्रोटीन और कार्ब्स में हेल्प नहीं करता है, वो आपको बॉडी को अंदर से फिट रखता है, आपका मेटाबॉलिज्म को भी बहुत अच्छा कर देता है अगर आप रेगुलर चना ले रहे हैं। मेक श्योर मैंने जो फूड आइटम्स अभी बोले हैं आप उसको डाइट में ज़रूर डालें। उसके बाद बात आता है हेल्दी फैट्स का। तो हेल्दी फैट, आपका गोल कुछ भी हो, आप कोई भी एज ग्रुप में हो, मैं डेफिनेटली पीनट बटर रिकमेंड करने वाला हूँ। आजकल मार्केट में आलमंड बटर भी बहुत आ गए हैं, वो भी ले सकते हैं। आलमंड बटर पीनट बटर से डेफिनेटली एक बेटर ऑप्शन है, डेफिनेटली एक बेटर ऑप्शन है, मैं बार बार बोलूंगा ये बात। बट आलमंड बटर का प्राइस थोड़ा सा हाई होता है। तो अगर मुझे कोई भी कॉलेज गोइंग लड़के देख रहे हैं या कोई भी जॉब करते हुए आदमी भी देख रहे हैं जिनको या जिनका एक फिक्स्ड बजट होता है, मेरा भी एक फिक्स्ड बजट होता है कि महीने में मुझे इतना ही खर्चना है अपने बॉडी के लिए, तो अगर आप बजट टाइट हैं तो डेफिनेटली पीनट बटर ही लीजिए। आलमंड बटर में इन्वेस्ट करने का उतना नेसेसिटी बिल्कुल नहीं है। पीनट बटर आप कौन सा लें, पीनट बटर डेफिनेटली नेचुरल पीनट बटर जो है वही बाय कीजिए। मार्केट में बाकी जितना भी पीनट बटर है उसमें आपको हाइड्रोजनेटेड ऑयल मिलेंगे, सोडियम मिलेंगे और बहुत सारे स्टेबलाइजर्स मिलेंगे। आप कैसे मार्केट में जाने से आप पहचानेंगे कि कौन सा नेचुरल है कौन सा आर्टिफिशियल है, सिर्फ नेचुरल वर्ड उसमें लिखा होगा तो वो नेचुरल नहीं है, उसका कोई गारंटी नहीं है। कैसे आप पहचानेंगे उसके ऊपर भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ, वेट कीजिए। फिर आ जाते हैं उन लोगों के लिए जिनका एज ग्रुप है अबव 25 ईयर्स। इस एज में संभाल के क्यों रहना पड़ता है, फर्स्ट पॉइंट, इस एज में फैट गेन करने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वही आपको मसल बिल्ड करने में हेल्प करता है और वही आपके बॉडी से फैट को कम करने में हेल्प करता है। जितना आपका एज बढ़ता रहेगा ये हार्मोन कम होता रहेगा,
तो डेफिनेटली फैट गेन होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो इस एज में अगर आपको वेट गेन करने के लिए आप कुछ भी ठूस रहे हैं तो वो अल्टीमेटली फैट में ही कन्वर्ट होने वाला है। तो कैसे प्लान करें, कैसे सब डाइट अपना अरेंज करें ताकि मसल भी गेन हो, वेट भी गेन हो, फैट अपना गेन ना हो, वही मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके फूड सोर्सेस, कि कौन से सोर्सेज आप किस रीज़न के लिए ले रहे हैं। सिंपल वे में बताऊंगा, अगर आपको सबसे अच्छा कार्ब सोर्स चाहिए इस एज ग्रुप के लिए, डेफिनेटली मैं बोलूंगा ओट्स। कौन से ओट्स? कोई भी ब्रांड के ओट्स हो, सिर्फ रोल्ड ओट्स या स्टील कट ओट्स ही होने चाहिए। अगर ओट्स के ऊपर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, मेरे चैनल पे आपको ओट्स के ऊपर भी इंफॉर्मेशन वाले वीडियो मिल जाएंगे, मेक श्योर आप ढूंढ के उसके वो देख लें। तो ओट्स आप रखिए अपने डाइट पे, आपको हर तरीके से हेल्प करने वाला है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हेल्प करने वाला है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में भी हेल्प करने वाला है, और ऊपर से उसका जो फाइबर है वो आपको आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको एक्टिव रखता है। उसके बाद आ जाते हैं हम प्रोटीन में। तो प्रोटीन इस एज के लिए भी मैं चिकन, एग्स, पनीर, टोफू ही रेकमेंड करूँगा। अगर किसी को नॉन वेज में भी एक ही चूज़ करना है, वेज में भी एक ही चूज़ करना है, तो नॉन वेज के लिए मैं बोलूँगा आप एग्स चूज़ कीजिए, और जो वेज है उसके लिए मैं बोलूँगा आप टोफू चूज़ कीजिए, बट 50 ग्राम के ही अमाउंट में। फिर हम आ जाते हैं ब्रेड्स में। तो ब्रेड इस एज में भी मैं दो ऑप्शन ही देना चाहूँगा, मल्टीग्रेन ब्रेड या होल व्हीट ब्रेड, दोनों ही आपको इक्वली हेल्प करेंगे। बट क्योंकि हम लोग लीन बल्क कर रहे हैं, क्योंकि एक फैट गेन होने का चांस कहीं पे है इस एज में, तो इसलिए मैं होल व्हीट ब्रेड ज़्यादा प्रेफर करूँगा इस एज में। फिर हम आ जाते हैं हम लोग का पीनट बटर में। सो पीनट बटर भी जैसे मैंने बोला है वीडियो के पहले ही, नेचुरल बाय कीजिए, आप कोई भी एज के हो, आपके लिए सेम ही काम करेगा, उसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है अगर वो नेचुरल है। फिर जो मेन फैक्टर है जो मैंने उस एज ग्रुप के लिए भी छोड़ दिया है और इस एज ग्रुप के लिए भी छोड़ दिया है, वो है फ्रूट्स। क्या फ्रूट्स हम गेन करने के लिए खा सकते हैं? डेफिनेटली, क्योंकि फ्रूट्स में भी कार्ब्स होते हैं। अब बात है कि कैसे सिलेक्ट करें और कैसे समझें। तो सबसे अच्छा फ्रूट आपके गेनिंग के लिए होने वाला है बनाना, क्योंकि बनाना में जो कार्ब्स है, आप एक स्मॉल या मीडियम साइज बनाना से आपको 25 से 30 ग्राम कार्ब्स आराम से मिल जाता है। तो उससे जो एनर्जी मिलेगा, आप सारा दिन एक्टिव भी रहने वाले हैं, और जो आपका जो कार्ब रिक्वायरमेंट है, जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वेट गेन करने के लिए, उसको भी पूरा करता है। अब बात करते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म फास्ट है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, आप लीन बल्क करना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होगा, आपका दिन में आपको 5-6 बार खाना पड़ता है, ये तो नॉर्मल रूल्स आपने सुना ही होगा। 5-6 बार खाने के बावजूद आपको भूख लगता रहता है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है। तो इस केस में क्या करें, ऐसे फूड सिलेक्ट करें जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है। ये मैं वीडियो के शुरू से बता रहा हूँ, आपको एग्जांपल भी दे रहा हूँ बार बार, जैसे चिक पीस हो गया, ओट्स हो गया आपका। अब फ्रूट्स में क्या करें, फ्रूट्स में बनाना में फाइबर उतना नहीं होता है, होता है डेफिनेटली उतना नहीं होता है। तो इस केस में मैं रिकमेंड करूँगा एप्पल, क्योंकि एप्पल आपको आपके बॉडी को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई करेंगे, साथ में फाइबर भी सप्लाई करेंगे, तो आपका जो ब्लोटिंग होने का प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगा और आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट रहेगा। अब ब्लोटिंग से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद आया, अगर आप लोग एक फिटनेस लाइफस्टाइल में अभी आ रहे हैं, अभी आना चाहते हैं, तो आपने ये सुना होगा कि दिन में जो 2-3 मील हम इंडियंस नॉर्मली लेते हैं, उससे आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। आप वेट गेन कर रहे हैं या आप वेट लॉस कर रहे हैं, नंबर ऑफ मील्स जो है, जो दिन में आप कितना बार खाते हैं, वो आपको बढ़ाना ही पड़ता है। तो सब लोगों ने सुना होगा कि 5-6 मील आपको लेना पड़ता है। इस केस में मैं भी डेफिनेटली यही रिकमेंड करूँगा, कोई दूसरा लॉजिक नहीं है, आप 5-6 मील के बिना आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम क्या होता है ऐसे लाइफस्टाइल स्टार्ट करते ही, अगर आप दिन में बार बार खा रहे हैं जहां आपको आदत नहीं था, तो आपको ब्लोटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। ब्लोटिंग क्या है? ब्लोटिंग फैट्स बिल्कुल नहीं है, फैट्स के साथ कन्फ्यूज मत कीजिए, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगा कि ब्लोटिंग कैसे हम समझे कि ये ब्लोटिंग है या ये फैट्स है, ठीक है, धीरे धीरे लाऊंगा। तो बात करते हैं, ब्लोटिंग मतलब है कि आपका जो फूड आप डाइजेस्ट करने के लिए खा रहे हैं वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और इंटर्न आपका जो पेट है उसमें गैस फॉर्म होता है, या कुछ भी रीजन की वजह से वो फूला हुआ होता है, और आपको नेक्स्ट मील अपना खाने का मन नहीं करता है। तो उसके लिए क्या होता है, जो मील आपको सारा दिन में खाना चाहिए था, जो आपका हिसाब था सारा दिन का, वो बिगड़ जाता है। तो इसलिए अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो आप फाइबर को एक्सट्रीम लेवल में मत लीजिए। मैं रिकमेंड करूँगा कि दिन में 15 ग्राम से ज़्यादा फाइबर आप मत लीजिए।
अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो आप 25 ग्राम तक फाइबर आराम से ले सकते हैं दिन में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये था मेरा शॉर्टकट टिप्स और फूड आइटम्स जो आप लोग को चाहिए होगा लीन बल्किंग के लिए। मेरा नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली फैट लॉस के ऊपर आने वाला है। बेसिक जो टॉपिक्स है उससे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, फिर धीरे धीरे आपका जो होल प्रोसेस होना चाहिए वो समझाता रहूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपने कुछ नया सीखा है इससे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल पे आते ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, तो उससे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है कि कैसे अपने डाइट को अरेंज करें या कैसे आप फूड आइटम्स को इंक्लूड करें सही से, तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में अगर मैं रिप्लाई नहीं दे सका बाय चांस तो मैं इंस्टाग्राम DM ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। मेरे इंस्टाग्राम ID आपको नीचे मिल जाएगा, उसमें क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और DM करें, मैं डेफिनेटली आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। अगर 5 से 10 कमेंट मुझे ऐसे मिले जिनको डाइट अरेंज करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं बहुत जल्द फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियोस भी लाऊंगा। नॉन वेज हो, वेज हो, गेनिंग डाइट हो या वेट लॉस डाइट हो, सबके लिए मैं फुल डे ऑफ ईटिंग का वीडियो आपके लिए लाने के लिए सोच रहा हूँ। अगर आपको चाहिए ज़रूर कमेंट कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं। जो मेरा लास्ट वेट गेनिंग वीडियो था अभी आपके स्क्रीन में आने वाला है, मेक श्योर यू वॉच इट। अब उससे भी आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे।